तीन मुखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसको पहन के गलत काम नहीं करना है, मीट पतली नहीं खाना, दारू नहीं पीनी है। अच्छा में भैया ये कितने का है? काट के देखा 20 का, बिना काटे 10 का। छीर के दिखाओगे आप? दिखा देंगे। कौन सा मुखी निकलता है इसमें? देखा नहीं हमने कितना मुखी इसका, इसके अंदर निकलेगा ज्यादातर? कौन सा निकलेगा? गारंटी निकलेगा। अच्छा पक्का निकलता है। एक छीलिए कितना, 20 का है? हाँ जी छीलिए छीलिए। कौन कौन सा चांस होता है निकलने का भैया? भाई इसमें सभी निकल सकते हैं, एक मुखी निकल सकता है। आप छाट के दो, ये वाला निकालिए और एक ये वाला निकालिएगा। कौन सा निकले? ये तो कच्चा है बिल्कुल भैया, कच्चा नहीं है। हैं कहाँ पे मिलता है ये? काठमांडू। काठमांडू वहाँ से लेकर आते हो आप? पशुपतिनाथ। हैं पशुपतिनाथ, अच्छा जो मंदिर है वहाँ से। कौन सा निकला अभी? देख दे भाई साहब, अबे वो साफ करेंगे तब पता चलेगा। बिना साफ करे कैसे बता तुम्हें? ज्यादातर कौन सा निकलते हैं भैया? देखो इसमें सब रंग के निकलते हैं भाई, दो भी निकलता है, चार भी निकलता है, पांच भी निकलता है। एक मुखी निकला है कभी आप देखे हो? मुखी नहीं निकला इसका, निकल गया। आपको मिला है तक एक भी? नहीं मिला है। सात मुखी निकला एक का? सात मुखी अच्छा होता है ना भैया? सात मुखी, नौ मुखी भी होते हैं? नौ मुखी भी होता है। मुखी कितने सारे? मुखी सारे होते हैं। अच्छा भाग ये तो भैया सब का वर्ड है, ये तो नकली है, आपका क्या निकल गया? पर ज्यादातर पांच मुखी निकलता है ना? ज्यादातर पांच मुखी निकलता है। लो चार मुखी निकल गया, चार मुखी निकल गया भैया का। चार मुखी और मेरा क्या विष्णु महेश कार्तिक जी। भैया ये वाला निकल गया मेरा। सबसे अच्छा कौन सा होता है वैसे भैया? सारे सारे अच्छे नहीं होते, सारे होते हैं, बस इनका लाभ रखा जाता है। मीट मछली से दूर, गलत कामों से दूर। कहाँ रखना? एक दिन तेल में डाल देना तो ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन हो जाएगा क्या? हो जाएगा तेल में डालने से ब्राउन हो जाएगा, कलर आ जाएगा ब्राउन, लाइट ब्राउन जो नेचुरल आता है ना कलर। कौन सा तेल में भैया? सरसों का तेल। अच्छा सरसों का तेल में। कौन सा मुखी साफ करने पे पता चलेगा ना भैया? अभी इसको एक गले में पहन सकते हैं भैया? क्या फायदे होते हैं इसके? बहुत फायदे होते हैं भाई साहब, देखो पूजा पाठ में सारे काम होते हैं इसमें, बस इसको पहन के गलत काम नहीं करना है, मीट पतली नहीं खाना, दारू नहीं पीनी है। अच्छा बाकी जी तुम्हारी पर। और क्या क्या बर्ताव करना है? और मीट मछली दारू और नहीं क्या? नहीं बाकी सारे देखो पूजा पाठ रखोगे जी रहेगा, मीट पतली खाओगे खंडित हो जाएगा। अच्छा अच्छा मतलब ये इसका कोई उतार के कर सकती हो? इसका कोई मतलब नहीं है फिर पहनने से? इससे मतलब उतार के कर सकते हो, दूसरे दिन नहा गलत काम के लिए गले में नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा बाकी काम कर रहे हो कुछ गलत चीजें कर रहे हो भैया, भगवान के भोले कर रहे आपसे। भोलेनाथ का प्रसाद है ना? हाँ जी। कौन सा भी है? हाँ जी अभी देखते हैं, तो देखते हैं कौन कितने मुखी का है। तीन मुखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, चलिए एक मेरा तीन मुखी निकला। तीन मुखी तो अच्छा होता है, ये मेरा तीन मुखी भैया का चार मुखी निकला। सबसे कम कौन सा निकलता है? सबसे कम सात मुखी, एक मुखी निकलता नहीं है। एक मुखी और सात मुखी, हाँ नौ मुखी भी नहीं निकलता है ना भैया? वो भी नहीं निकलता है भैया। एक और ये वाला हमें पकड़ दो, एक और ये वाला छिलके दिखाइएगा हमें, देखते हैं एक और छिलवाते हैं, देखते हैं कौन सा निकलता है। इसमें ना छोटा इसका एक 50 का कच्चा है। नहीं नहीं छोटा बड़ा से मतलब नहीं, ये सारे कच्चे हैं, कच्चे हैं सारे कच्चे हैं। पानी नहीं मिलेगा जब तक ब्राउन नहीं होगा। अच्छा पौधे को पानी डालोगे तो पौधा खिलेगा, तो इसका भी सब ऐसी है। अच्छा अच्छा आप पहने हो भैया? नहीं मैं पहनता। आप नहीं पहनते हैं, केवल बेचते हैं? यहीं के रहने वाले हैं आप? ना देने वाला मैं पंजाब को। पंजाब के रहने वाले हैं, तो ये लेकर कैसे आते हैं? किसी से मंगाते हैं या काठमांडू जाकर? हमारा माल आता है। अच्छा अच्छा वहाँ से आता है ट्रांसपोर्ट के जरिए? अच्छा अच्छा वहाँ से लिंक होगा ना आपका, कोई होगा वो लोग भेजते होंगे ना? अच्छा यही बेचते हैं बस। हाँ हाँ इसको अभी साफ करते हैं, देखते हैं कौन सा मुखी निकलता है। वैसे बहुत लाभदायक होता है, पर इसको अच्छे से इस्तेमाल करें तो ही। अच्छे से इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे लाभ करे जाएगा तो ज्यादा होगा आपको ही, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान ही होगा ना आपको। सिर्फ आपको नुकसान होगा, पक्का नुकसान होगा। इसे गले में कैसे पहनेंगे? धागा डाल के? इसके बीच में नहीं बता दूंगा, धागा डाल के पहनते हैं। ये कौन सा मुखी है? एक तीन चार मुखी है, रविरंजन का चार मुखी निकला भैया। ये कीजिए एक एक मैं निकलवाता हूँ, फिर आप निकलवाइएगा, देखते हैं मेरे नसीब में क्या है। सात मुखी निकलेगा नहीं तो नौ मुखी।
निकल जाएंगे भैया नसीब होगा भाई जरूर निकलेगा आपको नसीब क्या कैसे लगता है कहाँ पे है मैं अभी सब बता दूँगा एक मुखी दो मुखी तीन मुखी यहाँ पे है एक मुखी दो मुखी तीन मुखी ऐसे देख सकते हो तो जो भी पहने संभल के पहने क्योंकि बहुत फायदे भी होते हैं लाभ भी होते हैं और नुकसान भी होगा अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे इसका तो आप जैसा काम करोगे आपको वैसा फल मिलेगा हाँ वैसा फल मिलेगा तो एक और हम सिलवा रहे हैं पार्वती चक्कर में रोए थे ना तब उनके आंसू गिरे तब पैदा हुए थे अच्छा हाँ ये भोले बाबा का आंसू का ये है ना आंसू जब जमीन पे गिरा तो यही ये कल से भोले बाबा का प्रसाद ही है ये पहनने का उनका तीन मुखी ज्यादा घर में सुख शांति पूजा पाठ के लिए ये तो तीन मुखी है ना और चार मुखी मंदिर जी भी आ जाते हैं ना भैया मूर्ति में मंदिर में भी मंदिर में रखो लाल धागे लाल कपड़े में बांध के रखना नहीं तो गल्लक में रखो लाल कपड़े में बांध के रखना अच्छा लाल कपड़े में बांध के मंदिर में रख देंगे गल्लक में भी रख सकते लाल कपड़े हाँ मंदिर में रख देंगे ठीक है घर में सुख शांति रहती है ठीक है ठीक है ये कौन सा तीन है तीन मेरा दोनों तीन मुखी निकला ये तुम्हारा है तीन मुखी अच्छा होता है ना भैया ये देखते हैं गुरु लोगों से पूछोगे ना कि पंडित लोगों से हाँ जी खुद बता देंगे इसके बारे में अच्छा तो हमारे दो दो लिए रुद्राक्ष जो कि दोनों तीन मुखी निकले तो ले चलेंगे मंदिर में रखेंगे इसे मेरा देखते कौन सा निकलता है हाँ आपका देखिए कौन सा निकलता है आपको क्या लग रहा है कौन सा निकलेगा किस्मत है वो तो कोई भी निकले आप बताओ जो भी निकले अच्छा ही है अच्छा ही है हाँ ये तो सही है एक प्रसाद ही है भोलेनाथ का हाँ प्रसाद ही है श्वेता ये श्वेता का है हाँ। श्वेता का नाम पे देखते हैं क्या निकल रहे हैं ये लकी है या नहीं देखते हैं क्या तुम्हें क्या कौन सा चाहिए ये बताओ कितने मुखी चाहिए मुझे हाँ जो निकल जाए नहीं चाहिए कौन सा तू भी निकलेगी मोहित भैया एक और निकलवाएं इसको फिर तेल से पकाना पड़ेगा हाँ जी जितना जो तेल में रहेगा उतना ब्राउन होगा उतना अच्छा होगा तेल मतलब ऐसे डाल दे तेल में हाँ जी दूबा रहे हाँ जी हाँ थोड़ा तेल में डाल के उसको ये कर सकते हैं कितने की है अभी दो दो निकले ना भैया चार पांच दो दो चार मुखी निकले ना ना नहीं एक बिना चिल्ले ले जाओ 10 रुपए का दे दूंगा मैं आपको ये कौन सा मुखी है एक दो तीन ये चार है भाई चार मुखी चार ही निकले मोहित भैया का चार मुखी ही निकल रहे हैं केवल स्वेदा का देखते हैं स्वेदा का कौन मुखी निकल रहे हैं किस्मत में चार ही है हाँ आपके किस्मत में चार है ना हाँ जी वो तो घर में जाके कर सकते हैं घर में जाके कर सकते हैं इसको गर्म पानी में डालना पड़ेगा बस गर्म पानी में डालने के बाद जितना ये गर्म पानी में रहेगा ना जितना बड़ा साइज है गर्म पानी में 1.5 घंटा पड़े रहेगा तो इतना बड़ा साइज हो जाएगा फूल जाएगा इसके चक्कर आराम से उतार लोगे अच्छा ऐसे चाकू से भी बरस से भी नहीं बरस तो साफ होना चाहिए बरस तो इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई आपको और वो साफ होना चाहिए ना हाँ मैं ये बोल रहा हूँ जिस पे कपड़े उपड़े साफ करते हैं उस पे नहीं होना चाहिए हाँ वो वाले नहीं आपको न्यू बरस लेके उस पे साफ करके भले बाद में कुछ भी यूज कर सकते हैं ऐसा चलेगा हाँ तीन मुखी निकलेगा श्वेता का मुझे पता है अब अंकिता भी एक उठाइए पता नहीं इसका कितनी मुखी निकलता है कितने मुखे हैं भैया देखता भाई तीन मुखे हैं ना एक दो ये दो है दो मुखी किसका है दो मुखी शिव जी पार्वती शिव जी पार्वती जी वाह शिव जी पार्वती जी कितना भैया अब जाएगा 20 रुपए का ज्यादा का नहीं है एक हाँ एक सात मुखी का जैसे कि शिव जी पार्वती दो मुखी चार गणेश जी कार्तिक ये चार सात का क्या मतलब वो सात का तो लाभ है उधर अलग जाप होगा क्या ब्राह्मण आप ब्राह्मण लोगों के काम आता है सात मुखी ज्यादा तीन मुखी का क्या मतलब है मंदिर गणेश जी वो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु चाय का भी निकल रहा है देखने में क्यों इसका चार मुखी निकलेगा और पांच मुखी कोई भगवान का नाम नहीं है वो हार्ट के लिए बिजनेसमैन के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए होता है अच्छा पांच मुखी का ये मतलब है उसका कोई मतलब नहीं है खाली अच्छा। ये जो बाकी दाने हैं सब इनके भगवानों के नाम के हैं अच्छा, एक मुखी होता महाकाल होता है दर्शन करवा दूंगा एक मुखी के दर्शन करवा दीजिए कराइए रखे हैं हाँ वो अलग आता है दिखाइए भैया दर्शन कर लें थोड़ा एक
तो कैसे पता चलता है ये धारी होती है ये देखो। अच्छा धारी ये धारी है एक ये दो ठीक है ये आगे तीन है ठीक है ये का भी चार ये चार चार मुखी हो गया बोले थे पहले इसका चार मुखी निकलेगा देखते तुम्हारा इसका तीन मुखी निकलेगा मुझे पता है मेरे में चार है चार है तुम्हारे में रघुनंदन में चार है श्वेता दो मुखी है इसको अलग मिला शंकर जी पार्वती जी अलग एक बार और मेरा देखिए तीन है भाई कितना तीन मुखी आपका आप बताओ चार मुखी देखिए तो चार मुखी देखो एक ठीक है नहीं चार है सही है दो दो तीन ये चार चार मुखी है अब इतने जनों को दे रहे ना तो हाँ हाँ वो चार मुखी है चार मुखी है और अभी अंकिता का लास्ट निकल रहा है ये देखते हैं मेरा तो दो था दोनों तीन मुखी निकला है इसको मेरा चार निकला है इसको दो निकला है उसका दो निकला है किसी का नहीं धारी देखो उसकी धारी है मेरा भी तो सबसे अलग है मेरा भी तो तीन निकला है वो भी दो निकला है अंकल मेरा दो निकला है दो मुखी कम निकलते हैं निकलते हैं नहीं बहुत निकलते हैं दो मुखी एक मुखी बहुत कम है अच्छा कम तीन पता नहीं कैसे निकल गया हां बहुत साली है तो तीन और चार निकलते रहते हैं कितना है बेटा आपका दो मुखी एक मुखी तो बहुत कम निकलता है नहीं इसमें निकलता है गोल दाने में अच्छा ये कहता है काजू जाना चंद्रकांत अच्छा पर्स में रख लीजिए पर्स में रखना बरकत रहेगी बच्चे मैं तो मंदिर में रखूंगा ना तीन मुखी है तो घर में चार मुखी गले में पहन लो मंदिर मंदिर घर में कोई भतीजा बच्चा मंदिर में रखेंगे तीन तीन मैं पहले ही बोला था मुझे पता था चलो मुखी तो मुझे घर में अपनी मेज है मंदिर में रखो चाहे गले में हाथ में बाजू में बांधो गले जगह इस्तेमाल मत करना मंदिर में रख सकते हैं।